तो बाबा ने हंसी उड़ा दी। अल्लाह हूँ कहते हूँ तो नहीं कहते, अल्लाह अकबर जैसे किसी को बुलाते हैं ना मुसलमान हो। अकबर ने अच्छा काम किया या शाहजहां ने? हैं मुसलमान धर्म ने राजा बड़ा था या अकबर? अकबर का भी गायन है शाहजहां का भी। शाहजहां ने स्थापना की, बाबर है आदि, शाहजहां है मध्य, और शाहजहां के बाद फिर उतरती गले औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब ने उतरती कला शुरू कर दी मुगल धर्म की। हाँ जी बाबा, 2003 से शाम और 2004 से सुंदर। 2003 से शाम, 2003 तक शाम, 2004 में हो जाता है। बोला है कैसे? अगर 2004 में घोड़ा हो जाए तो फिर कृष्ण जयंती कब मनाई जानी चाहिए? हैं? चार में ही मनाई जानी चाहिए कि 2018 में मनाई जानी चाहिए? जयंती मनाई जाती है संबत 111 शुरू होगा तो वो 2004 से शुरू हो जाए। श्याम कृष्ण को सुंदर बनने में कितना टाइम लगेगा? है? 50 साल। है? श्याम कृष्ण को सुंदर बनने में कितना टाइम लगेगा? हाँ, 1 सेकंड लगता है आत्मा को श्याम से सुंदर बनने में। ब्रह्मा के लिए भी जो गायन है तो ब्राह्मणों के लिए भी गायन है। ब्रह्मा की रात तो ब्राह्मणों की रात, ब्रह्मा का दिन तो नंबर वार ब्राह्मणों का भी दिन। तो 2004 में आपको उस दिन किसने बैठा दिया? कहाँ पढ़ लिया? कैसे भी बोला था 2004 में सुंदर हो जाएगा? नहीं, सुंदर बनने से शुरू हो जाएगा बात। वो तो सभी आत्माएं शुरुआत सबकी चल रही है। आत्मा जितनी एकाग्रता की स्थिति में टिकती जाती है उतना अंदर अंदर अनुभव कर रही है, लेकिन एकाग्रता की स्थिति परिपक्व स्टेज में पहुंच जाए, ऐसी परिपक्व स्टेज में जैसे कि पूरी तेल के अंदर घी के अंदर डाली जाती है तो नीचे पड़ी रहती है, पतित है, पक गई हक से ऊपर आई। ठीक बात है, मर जाओ लेकिन मांगो मत। नहीं बाबा, जिंदा रहना चाहता हूँ। जिंदा रहना चाहे तो खराब बात है, ये तो बुरी बात है कि तुम मांगते। अरे ऊपर वाले ने हाथ पांव दिए हैं। माताएं मांगती है ना? क्या बाबा ने मुरली बोला है कि माताएं मांगे? मांगेगी तो घर तो तभी चलेगा ना। मैंने आपने अपने को दास दासी समझ लिया है, जैसे दासों को बेचा जाता था। माताएं अपने को वस्तु समझे या अर्धांगिनी समझे? क्या है? अर्धांगिनी है।
पति की जो भी कमाई है उसमें आधा हिस्सा उनका है, तो जिसका आधा हिस्सा है उसको मांगने की दरकार है? अगर वो नहीं देंगे तब 24 घंटे कंधे पे करे बैठे रहेंगे क्या? 24 घंटे घर में ही बैठे रहेंगे क्या? पैसे देते वक्त मुट्ठी को बंद रखेंगे, मुट्ठी बंद किए गए थक नहीं जाएंगे? ये कहो माताओं ने दासत्व स्वीकार कर लिया है, माताओं ने द्रौपदी ने स्वीकार नहीं किया था, स्वीकार तो नहीं है लेकिन क्यों पड़ता है? ऐसी भी माताएं जो मांगती नहीं है, चक्की चलाए के अपना कमाई लेती है घर में बैठे बैठे, बेपत बनाती है अपने खर्चे का खर्चा निकाल लेती है, क्यों हम दासदासी बन जाएं? अरे जिसकी बुद्धि में इतनी बात नहीं बैठती है कि स्त्री अर्धांगिनी है तो उसको आधा दे देना चाहिए खर्चे के लिए, बिना कहे देना चाहिए? या दुर्योधन है या सत्यापन है या कहा जाए उसको? बहुत से भाइयों ना गुस्सा आ रहा होगा, दशरथ ने क्या किया? सोच समझ के अपने आप देना चाहिए या मांगने से देना चाहिए? और दुर्योधन तो मांगने से भी नहीं दिया, सूर्य की नोक के बराबर भी नहीं देंगे, ऐसे भी पुरुष हैं, एक पैसा भी पत्नी के हाथ में नहीं रहने देते। बाबा फिर आए हैं माताओं के नाम बैंक बैलेंस बना रहे नवरात्रों में जौ भी बोते हैं, गेहूँ भी बोते हैं, ये नवरात्रे है ना, नवरात्रों में ज्यादा महिमा पुरुषों की होती है या ज्यादा महिमा कन्या माताओं की होती है? तो गेहूं हो या जौ हो ये स्त्री अंग की यादगार है, क्या स्त्री चोले की यादगार है गेहूं और जौ? जौ में थोड़ा छिलका ज्यादा होता है लेकिन ठंडा बहुत होता है, और गेहूं में छिलका नहीं होता है लेकिन गर्म गर्म बहुत होता है, इसलिए जौ को ज्यादा महत्व देते हैं। जौ देवताओं को भोग लगाया जाता है, सारी पूजा में तो जौ ही करते हैं बाबा है जी, हर पूजा में जौ ही। हाँ जी हाँ जी, गेहूँ नहीं डालते हैं। हाँ। तो नवरात्रों में इसलिए बोया जाता है। बाबा कॉम्प्लेक्स में लेफ्ट ओवर में एक माता का चित्र बताया है, कॉम्प्लेक्स है जो उसमें लेफ्ट ओवर है, जो धर्म है लेफ्ट के धर्म है, लेफ्ट साइड के धर्म होने माता का चित्र दिखाया है। सिख धर्म में माता का चित्र नहीं दिखाया? सिख धर्म में माता का चित्र नहीं दिखाया क्या? सिख धर्म में भी तो लंबी चौड़ी माता है, राइट ईयर में भी दिखाया है। धर्म तो कोई भी हो, स्त्री पुरुष के बगैर कोई धर्म कैसे चलेगा? बड़ा बताया है, लेफ्ट में बड़ा सारा बताया है, मैंने स्त्री का बड़ा चित्र दिखाया है, सिख धर्म में बड़ा चित्र नहीं दिखाया स्त्री का? बड़ा काम किया होगा तो बड़ा चित्र दिखा दिया।
एक बात बताऊँ, वो कृष्ण की दो माँ थी, एक माँ को बंदी से बुलाया गया था, एक माँ रातें खुश होती थी। तो बाबा संगमी पे कृष्ण, संगमी भी कृष्ण की दो माँ कहाँ है? जब पैदा हुआ, जब पैदा हुआ तो पैदा होते समय कृष्ण विकारों की जेल में था या नहीं था? था। उसकी माँ विकारों की जेल में थी या नहीं थी? थी ना? तो सिख धर्म ये है क्रिश्चियन धर्म, मोहम्मद आप लेफ्ट हैंड के बारे में बात कर रहे हैं। स्त्री पुरुष सभी जगह दिखाई दी है, मुस्लिम धर्म में भी दिखाया है स्त्री को, बड़ा स्त्री पुरुष ज्यादा दिखाया है, तो सभी जगह दिखाई है। बाबा फिर वो बात रह गई जो अधूरी रह गई, वो कृष्ण की माँ थी, दो माँ थी। हाँ, एक माँ ने जन्म दिया और एक माँ ने पाला। जिसने जन्म दिया वो विकारों की जेल में थी, विकारों की जेल से छूट नहीं पाई, और जिसने पाला वो बाहर थी, विकारों की जेल में नहीं थी। उसका उसकी महिमा ज्यादा होगी, जो विकारों की जेल में रहेगी लेकिन जन्म देगी उसकी महिमा ज्यादा होनी चाहिए, या जो निर्विकारी रह करके जिसने पालना की उसकी महिमा ज्यादा होनी चाहिए? वो मुस्लिम धर्म से कनेक्टेड हो गई और वो क्रिश्चियन धर्म से कनेक्टेड हो गई, वो कामी धर्म। बताया मुरली में पतित, पतित पना कौन से विकार से होता है? काम विकार से होता है। इस्लामी जाति पतित बन गए और जो क्रिश्चियंस है वो जाति पतित नहीं बनते, क्योंकि उनमें क्रोध तो होता है बहुत, लाल चेहरा तो हो जाता है लेकिन पतित पना उतना नहीं होता। इसलिए यशोदा को क्रिश्चियनिटी में दिखा दिया और यमुना को इस्लाम धर्म खंड की माँ हो गई। यज्ञ के अंदर की बात है, नहीं समझ में आया तो पूछ लो, क्या नहीं समझ में आ रही बात? नहीं बाबा, यज्ञ के अंदर की बातें हैं ना, बाहर की दुनिया की बातें थोड़े ही है बाबा। ये फर्स्ट नंबर का फिर माँ पहला पिता को बताते हैं और जगदम्बा को दूसरा ब्रह्मा बताते हैं। नहीं, ब्राह्मण बनने से गर्भ पिता था क्या? ये मुरली में बोला है, ब्राह्मण बनने बिगर प्रजापिता था क्या? तो पहले ब्राह्मण होता है कि पहले ब्रह्मा होता है? पहले कौन होता है? अरे ब्राह्मण तभी बनेगा जबकि ब्रह्मा होगा, ब्रह्म ही नहीं होगा तो ब्राह्मण कहाँ से बनेगा? आपकी बात का जवाब दिया कि ब्रह्मा तो तभी है पहले नंबर का जबकि वो प्रजापिता को पहली बार में पैदा करे, तो प्रजापिता वो बाद का हुआ और ब्रह्मा पहले का हो गया। ज्यादा होशियार, ज्यादा जो पार्ट है सारा, मक्खन चुराया, गोपियों को भगाया, ये मुरली में कथा कहानी है किसकी बताइए? प्रजापिता की बताइए, ब्रह्मा या कृष्ण, ब्रह्मा और कृष्ण की बताइए? हाँ, माने ब्रह्मा जो है वो ज्ञान में बड़ा नहीं है, ज्ञान में बड़ा कौन है? प्रजापिता। वैसे भी सनातन धर्म की स्थापना ब्रह्मा के द्वारा हुई है या ब्रह्मा के जो पुत्र हैं उनके द्वारा हुई है?
ब्रह्मा के पुत्र के द्वारा हुई। ये ब्रह्मा तो पहले नंबर का है, जो यज्ञ के आदि में माता थी, जिसने सुनाया ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कारों को, जिसने सुनाया वो है आदि ब्रह्मा, आदि माता। लेकिन पहला ब्राह्मण कौन है? प्रजापिता पहला ब्राह्मण, पहला ब्राह्मण तो पहला देवता, तो पहला क्षत्रिय, तो पहला वैश्य, तो पहला शूद्र, फिर तो पहला ब्राह्मण। क्या अंदर बात, प्रश्न क्या रखा अंदर, वो तो बाहर निकालो। एक बच्ची के टन में आता था, एक के आज की हिस्ट्री बताई, उनकी बच्ची के अंदर आता था शिव बाबा, उसके गुलाब जल जाड़ा, तो गुलाब जल की खुशबू इसे जरूरत नहीं, न वो खुशबू लेता न वो उसको बदबू का असर होता क्या? तो जब खुशबू डाला तो बाबा हाँ खिलाते पिलाते झट भाग जाता था, मैंने अभोक्ता था, अभोक्ता का पार्ट बजा के दिखाया उस समय। वो तो शुरुआत थी ना, शिव बाबा ने जो शुरुआत में पार्ट बजाया बच्चे के द्वारा, वो शुरुआत है या मध्य है या अंत है? वो शुरुआत का पार्ट है। अंत का पार्ट क्या होगा, मध्य का पार्ट क्या होगा, उससे ऊंची स्टेज वाला पार्ट होगा या नीची स्टेज का पार्ट होगा? ऊंची स्टेज का पार्ट होगा। ऊंची स्टेज का मतलब है शरीर में रहते हुए संघ के रंग में आते हुए भी और संघ का रंग न लगे, भागने की दरकार ही न पड़े। ये बताया ना, ये यमुना और यशोदा किस नीति की, कौन किस नीति धर्म की, कौन यशोदा का पार्ट रखे? जो यश दे तो यशोदा, जो अपयश दे दे, पार्टियां बाटियां बना दे, झगड़े करा दे, सुपन खा बन जाए, सो बाबा जो अभी नवरात्र शुरू हो रहे हैं और नवरात्रों में जैसे आप देवी की बहुत पूजा करते हैं तो देव शक्ति जो किसी पर आती है, मतलब क्रियाओं का कल्याण करती है, तो उसका मतलब वो आत्मा में कितने पावर होती है? उस आत्मा में मतलब कितनी पावर होती है? मतलब भूत प्रेतों का सूक्ष्म शरीर होता है या स्थूल शरीर होता है? सूक्ष्म में ज्यादा ताकत होती है या स्थूल में ज्यादा ताकत होती है? सूक्ष्म में ज्यादा ताकत होती है। तो सूक्ष्म में ज्यादा ताकत होने की वजह से वो कुछ करिश्मा करके दिखा सकती है, क्योंकि आगे पीछे की बातों का उनको जल्दी ज्ञान हो जाता है, कुछ जन्म आगे कुछ जन्म पीछे। लेकिन हम स्थूल चोले में बंधे हुए, हमको कुछ भी पता नहीं लगता, तो वो आत्माएं कुछ न कुछ थोड़ा बहुत चमत्कार दिखाती है, उसको कहते हैं भूत प्रेत विद्या, तांत्रिक विद्या, मैली विद्या। और ज्यादा लेडीज में जो आती है, जो देव शक्तियां मत कहो उनको, उनको भूत प्रेत कहो। वो अपने को देवी देवता बोल करके बताते हैं, बोल करके बताते हैं तो हम उन्हें देवी देवियां मान लेते हैं। ज्यादा लेडीज में ही आती है, जेंट्स में कम आती है। उनको श्रद्धा विश्वास जल्दी बैठ जाता है, कन्या माताओं भाइयों के निवासों के ऊपर विश्वास जल्दी नहीं बैठता, तो जिसको जल्दी पकड़ में आ जाए उसी को पकड़ो। वैसे भी भय का भूत कहा जाता है, कमजोर आत्मा को पकड़ता है।
वो तो प्रेतों की बात है करनी। हाँ क्या है भूत ही तो होते हैं जो आत्माएं सभी छोड़ देती हैं, चाहे आत्महत्या करके चाहे दूसरों की हत्या करके, जिनकी अकाले मौत होती है वो भूत प्रेत बन जाते हैं। बाकी वो देखते हैं तो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे रियल में। सबको देखते हैं क्या? नहीं, वो तो नहीं, वो भी जिनको भय बैठ गया अंदर से उनको देखते हैं। जो कमजोर आत्मा है उनको ही देखते हैं, सबको थोड़ी देखते हैं। भागते हुए तो बोलने लगते हैं मेरे अंदर देवी आई थी और ढेर सारे उनके सामने बैठ जाते हैं पुजारी उनके। हाँ तो कोई सच्चा बोलते हैं क्या? वो तो आज बोलने लगते हैं। तुमने अभी तक ज्ञान लिया तो तुमने क्या सुना है कि देवी देवता है सत्य देवता में होते हैं या द्वापर कलयुग में भी होते हैं? तो पानी में पूछती वो कहते हैं अगर कितनी सुनाई बात सुनने से कोई झूठ बोले तो मान लें। दुनिया वाले हमसे ही कहते हैं कि तुम भक्ति नहीं करते हो इसलिए तुम्हारे घर में ये हो जाता है। तो उनके घर में नहीं हो जाता है, वो भक्ति करते हैं। उनके घर जो भक्त बड़े बड़े भक्त हैं उनके घर में कुछ भी नहीं होता। वो तो कह देते हैं ना जब छोड़ देते हैं तो कह देते हैं छोड़ दिया इस करके ज्यादा तुम्हारे घर में इसलिए ज्यादा ये होता है। बोला सब तो उनके कहने से हम क्यों मान लेते हैं? हम उनको सरकार का जवाब दें कि क्या तुम्हारे घर में ये नहीं होता है सब कुछ? जब जो भक्ति कर रहे हैं उनके घर में ऐसा कुछ नहीं होता? होता है। फालतू बातें करने से क्या फायदा? और हम काट कर देना चाहिए। तो होता क्या है, हम दूसरों की बात सहज मान लेंगे। नहीं वो घर में जो होते हैं ना वो बोलते हैं कि तुम बाबा ज्ञान में चल पड़ी हो, कुछ करती नहीं हो तुम, इसलिए घर में ही हो रहा है। तो उनसे कहो जो जो भक्ति कर रहे हैं उनके घर में कुछ नहीं होता? उनके घर में ये होता है कि नहीं होता है? कोई मरता बिल लाता है कि नहीं? देखो बाबा जब जोत जलाने जोत जलाते हैं ना अखंड जोत, ते ओदे ते नारियल रखते हैं, नारियल रखते हैं ना उसे गर्जी के ऊपर, ते ओद ये शाम को विषम जाता है जैसे भी दोपहर जी हो जाती है तो कहते हैं भी भोग लग गया, भी माता ने भी माता आई थी भोग लग गया, ये क्या है? बाबा ये कह रही है जो गगरी के ऊपर नारियल रखा जाता है वो नारियल अपने आप ही दो फाड़ हो जाती है उसमें से, तो ये भावना होती है भक्तों की कि भाई मैया दादी हो गई माता रानी, नारियल अपने आप फट जाता है। हाँ देखा उन्होंने नारियल को फटते हुए अपने आप देखा? बाबा फटते हुए तो मैंने देखा नारियल। अरे उसमें कोई केमिकल डाल देते होंगे तो फट जाता है, अपने आप नहीं फटता है। बाबा मुझे एक पड़ोसन ने दिखाया था, हम नारियल ला रहे चलो पूजा करो दिखाओ, आपने फटते हुए देखा, आपने कहा ना अभी देख लगता होगा कुछ न कुछ होता होगा इन बातों में, देखो कैसी बुद्धि चलती है, इन बातों में बुद्धि चलती है कटाक्ष समझ में, यहाँ जरूर भगवान का कर, यहाँ भगवान का कर्म चल रहा है। अपने अपने गुरुओं की बातें बता रहे सकते हैं तो सुनते तो नहीं, फिर भी कोई एक आधी बात कानून पड़ भी जाती है, कान पड़ जाना अलग अलग बात, लेकिन किसी ने हमारे कान में डाली और हमने दूसरे कान से निकाल दी तो उसे सुना हुआ कहेंगे? सुना हम सुना कर दिया? किसी की कही हुई बात को हम अपने बुद्धि में धारण कर लें उसे कहेंगे सुना हुआ? अरे घर घर में रहेंगे, घर में तो एक आदमी ज्ञान में चलता है, सारा परिवार ज्ञान में नहीं चलता है, वो तो सुबह शाम तक चो 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 सुनाते ही नहीं। सही कह, उसे सुना हुआ थोड़ी कहा जाएगा, वो 24 घंटे सुनाते रहते हैं,
और वो अपने ज्ञान में चलता रहता है, तो क्या ये कहें कि वो सुनता है? सबसे पहला पुरस्कार तो माता ये करे बोलना बंद कर दे हैं, बाटा चलाने की बहुत बड़ी बोलने दो उन्हें बोलने दो, लेकिन भाई लोग महाकाली बनते हैं क्या? वो तो बनते हैं नहीं, बने बनाए हैं। भाई लोग बाबा अंधश्रद्धा में कम जाते हैं, भाई लोग अंधश्रद्धा में कम जाते हैं, तो माता अंधश्रद्धा में भाई लोग जाते हैं, भक्ति में जवाब नहीं जाते हैं। भाई लोग गणेश हैं ना, गणेश का तो माथा चौड़ा होता है। बाबा महाकाली को नहीं बनता बापू जी को, हाँ तो महाकाली के भगत हो गए ना, वो तो और नीचे हो गए। ऐसे जी क्या गणेश भाई जो भगवान बाप को आए पेंटर में ना, ऐसे भी भाई गणेश क्या है जो भगवान बाप को आए हुए पैसा में ना नहीं पहचाना, तभी तो जानवर का मुंह लग गया, नहीं तो मनुष्य का मुंह लग बना रहता ना। बाबा ये भाइयों में हनुमान करते दिखाते हैं, गणेश करते दिखाते हैं, माताओं में तो इतना बस एक काली माँ का दिखाते हैं, बाकी तो किसी का नहीं दिखाते हैं, बाकी तो माताओं का किसी का नहीं दिखाते, इतना भयानक चेहरा तो भैया आपके दिखाते हैं माताओं का, माताओं को गैया दिखाते हैं काम देनु, काम देनु गैया दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं? गणेश हनुमान का चेहरा बनना अच्छा या गैया का बनना अच्छा? गौ माता की जय। अरे गौ की तो पूजा होती है अच्छी खासी, वो पुरुष चोला है ना। और गणेश की पूजा के लिए तो महाभारत में और भागवत में कृष्ण ने खुद ही मना कर दिया, ये क्या इनकी पूजा कर रहे हैं, इनकी पूजा हम क्यों करें? और गायों की तो कृष्ण पूजा करते हैं। वही तो मनुष्य भगवान को पूजते हैं, मनुष्य के रूप में भगवान को पूजते हैं, और कोई जानवर के रूप में भगवान को पूजते हैं, तो पूजा पूजा करने वालों में अंतर है ना। जैसे हर बार हद में भी होती है, बेहद में भी होती है, जैसे नदियाँ हद में भी है बेहद में भी, तो ऐसे ये हद में भी होंगे क्या? बेहद में होंगे, हद में नदियाँ नहीं है? नहीं नदियाँ तो है, जैसे देख लेते हैं गणेश हद में भी, हद में हाथी नहीं होता है? अरे हद में बंदर भी होता है, हद में बंदर हाथी गाय होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं, ऐसे बेहद में है, बेहद बना है, रूहानियत की बात है। हाँ हाथी का मुख मतलब क्या हुआ? देह अभिमान है, हाथी जैसा देह अभिमान है, बंदर जैसा देह अभिमान है। हाथी की पूंछ थोड़ी इतनी लंबी होती है, और बंदर की पूंछ, बंदर की पूंछ तो लंबी होती है, हाथी की फिर सूंड लंबी होती है।
हो गए माने मुख में ज्यादा थे अभिमान, काम विकार का थे अभिमान इतना जास्ती नहीं है हाथी में। गणेश को काम विकार का देह अभिमान नहीं है, लेकिन लेकिन मुख में देह अभिमान बहुत है। हाँ एक बात सलाम में बताई गई है कि ज्यादा सवाल जो बच्चे करते हैं वो बेड अभी होते हैं, तो कई बार माना जो सवाल जवाब है वो अंदर अंदर का अंदर ही रखे, कचरा है अंदर का अंदर ही पटाखे रखे। आपने बताया कि मतलब ज्यादा माने लड़ी लगा देते हैं तो बेदरमियान में अंदर कचरा है तो निकाल के बाहर करें जल्दी, तो दरी बच जाएंगे। नहीं कई बार ऐसा बच्चे वहाँ मन करता है बाबा से बात करें हम, तो वो सवाल ढूंढते रहते हैं कौन सा अच्छा सवाल है जो उसको करे बाबा से। कुछ मैं तो अपने दिखाने की भी तो गलती होती है। नहीं बाबा बातें करने का मन करता है ना कई बार की हम बाहर बातें करें बाबा। बातें अकेले में अच्छी होती है या सबकी सभा में बैठ करके अच्छी होती है? नहीं अकेले में तो एकदम बाबा ने कहा गुड नाइट करो मत बाबा से, सब बाबा को साथ लेकर सो जाओ खूब बातें करो। बाबा एक मतलब एक दो तीन चार बार आ रहा है फिर उसको क्या करना चाहिए, मतलब कैसे उसको कम? दो चार बार आए तो कोई खास बात नहीं, 100 बार आए तो भी गंदे संकल्प को भगाना चाहिए। श्रीमत के बरखिलाफ कोई संकल्प आता है तो 100 बार भी आए तो भी क्या करना है, तो भी भगाना है। नहीं भागता तब तो भगाते रहो। 63 जन्म में वही काम जाति किया होगा तो वही उसी संकल्प के रूप में बार बार आता है, तो बार बार भगाना चाहिए नहीं भगाना चाहिए। वो अच्छा संकल्प है, सेवा के लिए जो संकल्प आता है वो अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अच्छा संकल्प हुआ, उसको भगाने की क्या बात बाबा? बीके में हमने 10-12 साल निकाल दी और कोई गेट हमें समझा के हारे थे ये तुम्हारी यादगार है, ये तुम्हारे मंदिर है तुम्हारे लिए, लेकिन बाबा हमारा माथा झुका ही नहीं, हमें पता ही नहीं चला कि हमारे ही मंदिर है ये हमारे जरूर चित्र है। लेकिन बाबा जब हमने भट्टी करी और बाप से मिले तब तो हमें अकेले में पता चला कि हम हैं अब कुछ नहीं देखा घर लेकर है। हाँ बाबा अब लगा है अब पता चला है, लेकिन बाबा 10-12 साल से हमें नहीं सचमुच में देवी देवता के हैं, हम सोचते थे हम कहाँ बन पाएंगे, हम कहाँ हैं, हम ऐसे दीदी दादी और ऐसे कहाँ बने। सही बात है, वही दाल तो राजा काम से सब हमारी तो माई काफी है, हमें माई चाहिए, हमारा पिताजी हमें नहीं चाहिए तुम्हारा बाप, ऐसे बोलते हो क्या? वो हमने ज्ञान सुनाने गए माता जी को तो बोली मैं, मैंने कहा ये माँ का पाठ है वहाँ पे, पिता का पाठ तो वहाँ पे चल रहा है, तो बोल रहे नहीं हम अपनी माँ से ही बच्चा ले लेंगे, हमें माँ के पास रहेंगे, हम तुम्हारे बाप के पास नहीं जाएंगे। दुनिया में किसी ने माँ से बच्चा लिया है? बोल रहे बोल रही हमारे तो माँ ही दे देंगे, हम नहीं जाएंगे तुम्हारे बाप के पास। बोलती है किसी मुरली में तुम्हारे बाप का नाम है या किसी तस्वीर है तुम्हारे बाप की, बताओ कहाँ है? माना मुरली में नाम आ जाए तब मानेंगे, नहीं तो तब तक हम मानने वाले नहीं है। माने नाम सहित बाबा बताए तब मानेंगे, इशारे से नहीं समझेंगे, इशारे से नहीं समझेंगे, माने देवता धर्म के नहीं है, तुमको बताना चाहिए उसी जगह। मजाक उड़ाने लगी है, हंसने लगी, फटा कर लिया देर कई लोगों को और भी मजाक उड़ाने लगी है, तो हमारा बोल दिया इनका बाप है तो कहाँ बोलिए, आप अपने को ऊपर उड़ाने लो। सिख धर्म की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की, सिख धर्म की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने नहीं की, सिख धर्म
धर्म के जो भी वाक्य हैं उनका मुख से निस्तरण तो गुरु नानक के द्वारा हुआ है। उनको प्रैक्टिकल में लाने का काम सबसे जास्ती गुरु गोविंद सिंह ने किया है। पवित्रता की जो स्थापना है जो विशेष पवित्र आत्मा जो निकली है पवित्रता के लिए जीवन अर्पण करने वाले वो खालसा निकले गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा। हिंदू धर्म में जैसे दस चले हैं दस अवतार जैसे झाड़ के किस्से में दस बैठे हुए हैं ऐसे ही उनके भी दस गुरु हैं। बाबा मैंने सुना है कि दोनों बाबा जो साकार में थे तो बच्चे उनकी गोदी में काम करते हैं। क्यों तो प्रजापिता ब्रह्मा की गोदी में सही बात हो गई क्या? जब ब्रह्मा की गोद में जा सकते हैं बच्चे ब्रह्मा जो है उसकी गोद में जाने से तो खुली बात है अम्मा की गोद में कोई भी देह अभिमान नहीं आएगा। लेकिन बाप की गोद में तो बाप है। भारतवर्ष में अभी भी कन्या जब जवान हो जाती है तो माताएं कन्या को बाप के पास जाने से रोकती हैं। क्यों रोकती हैं? कहीं ऐसा ना हो जाए बेचारी बच्ची पनप जाए। बाकी छोटे बच्चे हैं बच्चा वृत्ति है तो बाप की गोद में बच्ची क्यों नहीं जा सकती? आज की दुनिया में तो जो भी बाप है वो सब भिखारी है तो नहीं जाना चाहिए। बाप से डरते भी थे बाबा कान फिर से लगा रहे बाप तो फिर क्या करे माँ तो लगाएगी बाप तो कान फिर से लगा देते हैं तो डरते हैं। हाँ हाँ लेटरिंग वेटरिंग कर देगी तो माँ तो आराम से उसको उठा लेगी साफ करेगी बाप को तो गुस्सा आ बाबा ने गोभी में बोला है कि बहू के हाथ का नहीं खाना चाहिए। ठीक है तो अगर जुगर जो है वो कहीं मतलब बाहर चल जाए और खाना तो ऐसे बोलते हैं कि एक ही घर में जो है वो इकट्ठा ही बनेगा बड़ा अलग भी बनने के लिए भाई तो मतलब अकेले आपको नहीं खाना बनाने देंगे हम ही खाना बनाएंगे हम लहसुन भी नहीं खाएंगे प्याज भी नहीं खाएंगे। ये है कि जो परिवार चल रहा है उसमें मुखिया की बात नहीं मानी जाती है। पहली बात तो ये पक्की हो गई। नहीं मुखिया की बात तो मानी जाती है तो बाबा ने मुठी के अंदर बोला हुआ ना क्या बहू के हाथ का नहीं खाना चाहिए। तो यही तो बात बताई कि बाबा ने ये तो नहीं बोला कि मुखिया की बात परिवार में नहीं मानी जानी चाहिए। मुखिया है बड़ा है बूढ़ा है तो उसकी बात माननी चाहिए ना। बहू बुरा मान जाएगी। बुरा क्यों मान जाएगी? वो कौन सी परंपराएं हैं? वो आसुरी परंपराओं के आधार पर है या बुढ़िया बूढ़े जो बूढ़ा व्यक्ति परिवार में उसकी मान्यताओं को मानने वाले हैं? शुरुआत से ही जब बिगाड़ा हुआ है मोह में आकर के मेरे बच्चे उनको कंट्रोल से बाहर कर दिया। नहीं तो रचना वो जो रचयिता की कंट्रोल में हो वो पहले से ही कंट्रोल से बाहर हो गए वो तो बोलेंगे ही ऐसे। इतना गंदम था छोड़ ही डालना चाहिए कि माँ बाप अगर अपना खाना अपने आप बनाना चाहते हैं तो उनको नहीं बनाने देने वो अपनी मेहनत कर रहे हैं अपनी एक्स्ट्रा मेहनत अलग से कर लेना चाहते हैं तो हमें स्वतंत्रता देनी चाहिए। मैं अच्छा तुम अपना खाना अपने आप बना लो हम लहसुन प्याज खाना नहीं छोड़ेंगे आप बनाना चाहो तो बना लो। होना ये चाहिए कि जब बड़ा बुजुर्ग नहीं घर में लहसुन प्याज खा रहा है तो बच्चे भी छोड़ दें। नहीं वो नहीं खाते घर वाले नहीं खाते नहीं खाते बनता ही नहीं पड़ता ही नहीं। तो फिर तुम्हारे आपके लिए अलग से ऐसा भोजन बनाने के लिए स्वीकृति देकर सारा काम हम कर लेंगे और आप सिर्फ कुकर में खड़े होकर के थोड़ी सीटी बजा लो
उनको क्या मुसीबत आती है? बड़े समाज में फीस क्यों करते हैं? हम तो फीस नहीं करते, वो कर ले तो आप डरते हैं कहीं ऐसा ना हो कल ऐसा टाइम आ जाए जिसमें हमारी कोई सेवा शुश्रूषा करने वाला न रहे। ये ब्रह्मा कुमारों की जमात तो सब एक जैसी नहीं है, कोई इस्लामी बनने वाला है, कोई क्रिश्चियन बनने वाला है, कोई मुसलमान बनने वाला है, इसलिए इनका तो कोई ठिकाना नहीं। कम से कम अपने बच्चों की तो बात मानते रहे। अरे आजकल कुकर निकल पड़ा है, गैस निकल पड़ी है, कुकर में दाल चावल आलू, दाल चावल आलू तीनों इकट्ठे अलग अलग बर्तन में रख दो, कितनी देर लगती है? 10 मिनट में अपने आप बन के तैयार हो जाता है। सबसे अच्छा भोजन है दाल चावल भात, दाल चावल आलू, कितनी देर लगी? सारा बर्तन वही छोड़ दो, अगर भी करो सेवा करो। अच्छा तो एक कुकर धोने में कितनी मुसीबत आती है? हम बर्तन भी ज्यादा नहीं खड़ा होती, उसी कुकर में ठंडा करेंगे, ठंडा करने के बाद आप करके धोले अब वो तो बात है, वो आता है दफ्तर परीक्षा दी जाएगी, वो भी ऐसा है कि यहाँ तो खास परीक्षा ही है, नष्टो हुआ लगता अभी नहीं छोड़ोगे, आगे चल के ऐसा टाइम आने वाला है जिनको बच्चा समझते हो, बच्ची समझते हो, बहू समझते हो, वो बिल्कुल ही दूध की मक्खी की तरह निकाल के अलग कर देंगे, सब समझ जाएगा। फिर मेरे 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 सब निकल पड़ेगा, तब तक लेने वालों ने ले लिया, वो अपनी जगह पर आसीन हो गए कुर्सियों पर, तुम्हारे लिए जो कुर्सियां पीछे नीचे नीचे की रह जाएंगी उन्हीं पर बैठना पड़ेगा, अभी आ जाएंगे, हिम्मत करो, भरी सभा में बोल देना तो बहुत सही होता है, हम अभी आ जाएंगे आपके साथ, बोलना बड़ा आसान है। नहीं नहीं करके बाबा सेक्टर में जो गुरु हुए हैं सेक्टर में जैसे गांधी जी की तपस्या ले उनको वो सिल्लियों के ऊपर लेटा दिया, ऊपर से सिल्लियाँ रख ली बर्फ की, ऐसे उनकी परीक्षा ली, देखे सभी मुसलमान धर्म जो है ना, देखे अपना मुसलमान धर्म त्यागते हैं कि नहीं त्यागते हैं, उन्होंने त्यागने के लिए ठीक है नहीं त्याग बाबा। अब हम जो भी हैं जैसे भी हैं बाबा आपके हैं, अब हमारी मैया को आज ही अंत तक पार लगाना आपका काम है। ये कह देना तो बड़ा आसान होता है, हम जो भी हैं जैसे भी हैं आपके हैं, लेकिन नशा चढ़ा हुआ है कि हम बाबा के हैं, ये प्रैक्टिकल में करने में भी तो होना चाहिए ना, करना भी तो होता है, आजकल जालंधर से कोई नहीं आ रहा है? आप तो आके बैठ गए यार, अभी तक तो देखा ही नहीं।
चित्रले जो है ना चित्र बता रहे थे वो बता रहे थे बाबा महंगा ले गए आपके पास चित्र वो तो ठीक है अभी तो आज आप बैठ गए इतने तो ना किसी ने देखा ये थोड़ी देर कि आप तो कल अपने धंधे से जाते होंगे संगठन में भी आ जाते हैं जी बाकी कुछ को थोड़ा अपना ही काम था आपके धंधे धोने के प्रभाव में इसलिए आप थोड़े चल